हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सेवन साइंस चैप्टर वन न्यूट्रीशन एंड क्वेश्चन आंसर्स तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हाई डू ऑर्गेनिज़म्स नीड टू टेक फूड क्यों जो ऑर्गनिज़म है उनको खाने की ज़रूरत है उनको क्यों फ़ूड की ज़रूरत है तो आंसर इस कि जो फूड है वो सारे ऑर्गेनिज़म्स को हर एक ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत है बहुत सारे पर्पसेस के लिए तो पहला फंक्शन है फूड का कि वो हमें हेल्प करता है ग्रो करने में सेकंड जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे वेरियस मूवमेंट्स के लिए जैसे कि रनिंग वॉकिंग रेजिंग योर आर्म्स सी इज़ फूड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी जो फूड है वो ज़रूरी होता है रिप्लेस करने के लिए और रिपेयर करने के लिए जो भी डैमेज पार्ट है हमारी बॉडी में उसको रिपेयर करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए डी इज़ फूड ऑल्सो गिव अस रेजिस्टेंट टू फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड प्रोटेक्ट एस फ्रॉम द इन्फेक्शंस जो फूड है वो हमें प्रोटेक्शन या फिर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है हमें डिसीज से फाइट करने के लिए और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करके रखता है क्वेश्चन नंबर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ आंसर क्या है आपको डिस्टिंग्विश करना है पैरासाइट और सेप्टरऑफ में आपको डिफरेंस बताना है तो पैरासाइट क्या होते हैं वो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग टू मीट दी देयर न्यूट्रिशनल डिमांड एज अ पैरासाइट देखिए वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं ऑन अदर हैंड सेप्रोफाइट क्या होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड और डिकेइंग बॉडीज से उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं पैरासाइट्स के क्या पैरासाइट कहाँ रहते हैं ज्यादातर इन इनसाइड या ऑन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट जो हैं वो या ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर या उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं लेकिन जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो रहते हैं डेड एंड डिके मैटर के ऊपर एग्जाम्पल क्या है पैरासाइट के कस्कूटा यानी कि अमरबेल और सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल क्या है मशरूम क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ कैसे आप जो प्रेजेंस है स्टार्च की वो आप लीफ में टेस्ट करेंगे तो जो प्रेजेंस ऑफ लीफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट देखिए जो स्टार्च की प्रेजेंस है लीफ में हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन टेस्ट से पहले आपको क्या करना है कि आपको क्लोरोफिल जो है लीफ से वो रिमूव करना है कैसे करके आपको लीफ को बॉईल करना है अल्कोहल में और जब बॉईल हो जाए तो उसके बाद आप टू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाले अब जो कलर जो चेंज दिखाएगा ब्लू इंडिकेट करेगा ब्लैक एंड ब्लू कलर इंडिकेट करेगा कि जो लीफ है उसमें स्टार्च ग्रीन प्लांट आपको बेसिकली प्रोसेस बताना है फोटो का कि कैसे फूड सिंथेसिस होता है इन ग्रीन प्लांट ग्रीन प्लांट्स यूजेस

एंटर दी लीवस थ्रू दि पोर्स कॉल्स टोमाटा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमोसफेयर uh, से एंटर करती है लीव्स uh, के अंदर थ्रू दी पोर्स जिसे हम कहते हैं स्टोमाटा यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है दिस डिफ्यूज द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डिफ्यूज करती है जो सेल कंटेन करते हैं क्लोरोफिल नेक्स्ट इज वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो वाटर मॉलिक्यूल है वो थोड़ा टूटता uh, है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी मदद से सनलाइट की हेल्प से अब जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन जो है वो टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी फॉर्म होता है अब प्रोसेस जो है फोटोसिंथिस का वो रिप्रेजेंट किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल क्या क्या प्रोड्यूस होता है क्या प्रोडक्ट निकलता है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व ऑक्सीजन गैस जो होती है वो इवॉल्ड होती है इसमें आप फोटोसिंथेसिस का डायग्राम भी बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव शो स्केच दैट प्लांट आर दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड आपको ये स्केच uh, से ये शो करना है कि जो प्लांट होते हैं बेसिकली अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होते हैं तो क्या है कि सोलर एनर जो प्लांट ने सोलर एनर्जी ली अपना फूड प्रिपेयर किया और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको कौन खाता है हर्वी वोरस खा लेते हैं ग्रीन प्लांट्स को और हरवी वोरस को कौन खाता है कार्निवोरस और ग्रीन प्लांट्स और ये सब चीज़ें कहाँ होती है डीकम्पोज होती है तो बेसिकली जो हमारी प्लांट है वो एक अल्टीमेट सोर्स है जहाँ से हर कोई अपना फूड लेता है चाहे वो हरी वोरस हो वो कार्निवोरस हो कोई भी हो क्वेश्चन नंबर सिक्स फिल इन दी ब्लैंक्स इज ग्रीन प्लाट्साइज ओन फूड जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं बी इज द फूडिस प्लांट इज स्टोर्ड एस जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट के थ्रू वो कैस किस फॉर्म में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है सी इज इन फोटो सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई ए पिगमेंट कॉल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी जो होती है वो कैप्चर होती है एक पिगमेंट के पिगमेंट जो है वो उसको कैप्चर करता है सोलर एनर्जी को क्या नाम है उस पिगमेंट का क्लोरोफिल डी एस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक डैश एंड रिलीज डैश जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है क्वेश्चन नंबर सेवन नेम फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर में आपको नेम दी फॉलोइंग करना है ए इज अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम एक पैरासिटिक प्लांट है जिसकी येलो सिलेंडर और ट्यूबुलर ट्यूबुलर स्टेम है तो इसका आंसर क्या है कस्कूटा सेकेंड इज इन अ प्लांट अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो प्लांट जिसकी दोनों ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट थर्ड इज द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस वो वो पोर्स जिसके थ्रू जो लीव्स है वो एक्सचेंज करती है गैसेस को उसको खोलते हम स्टोमाटा क्वेश्चन नंबर एट टेक द करेक्ट आंसर अमरबेल इज अ अग्जाम्पल ऑफ अमरबेल जो है वो किसका एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफ का पैरासाइट का सेप्टोट्रॉफ का या होस्ट का तो अमरबेल जिसको हम कस्बूटा कहते हैं ये एग्जाम्पल है पैरासाइट का प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन दी इंसेक्ट वो ऐसा प्लांट जो ट्रैप करता, करता, करता है और फीड करता है इंसेक्ट के ऊपर उन्हें क्या बोलते हैं कस्कूटा चाइना रोज पिक्चर प्लांट या रोज द आंसर इज पिक्चर प्लांट दिस पिक्चर प्लांट जो है वो ट्रैप करता है और फीड करता है ऑन द इंसेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन मैच दी आइटम्स गिवन इन दॉलम वन एंड विद दो नंबर टू कॉलम नंबर वन में क्लोरोफिल जो है वो क्या हैलोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है लीफ में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन क्या है नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है राइजोबियम कस्कूटा क्या है पैरासाइट एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स, इंसेक्ट पिचर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर टेन मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स आपको ट्रू और फॉल्स टिक करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग सेकेंड इज प्लांट विच सिंथिस वो प्लांट जो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं क्या हम उन्हें सेप्टोट्रॉप कहते हैं नो no. उन्हें हम ऑटोट्रॉप कहते हैं तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ इज नॉट प्रोटीन जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो प्रोटीन नहीं है ये yes, जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथिस का वो क्या है कार्बोहाइड्रेट तो आंसर इज ट्रू फोर्थ इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथिस क्या सोलर एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आंसर इज ट्रू जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथिस क्वेश्चन नंबर इलेवन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है इनमें से विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर दोटो सिंथिस कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एयर से फॉर दोटो सिंथिस तो आंसर क्या है ऑप्शन क्या है रूट एयर स्टोमेटा लीफ वेन या पेटल्स तो आंसर क्या है स्टोमेटा जो स्टोमाटा है वो एक पार्ट ऑफ प्लांट है जो कार्बन uh, डाइऑक्साइड को लेता है फ्रॉम द एयर फॉर दोटो सिंथिस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग आप करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फॉलोइंग में प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमोसफेयर से किसके थ्रू ऑप्शन है रूट्स स्टेम फ्लावर या लीवस तो लीव्स के थ्रू जो है वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमोसफेयर से क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इन साइड लार्ज ग्रीन हाउसेस वॉट आर दी एडवांटेजेस टू दी फार्मर्स क्यों जो फार्मर्स है वो बहुत सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल या अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं इन साइड द ग्रीन हाउस क्या इसका एडवांटेज है फार्मर को तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन दी लार्ज ग्रीन हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टू प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स देखिए जो फ्रूट्स है वेजिटेबल हैं हम उनको ज्यादा फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैसेज में क्यों गाते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने क्रॉप को एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन से और सूटेबल टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल की क्रॉप्स को फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एडवांटेजेस क्या है कि पहला तो ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को डिसीज से और बहुत सारे एडवर्स जो क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं जैसे कि ड्रॉट पड़ गया या फ्लड आ गई उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है क्रॉप को सेकेंड इज़ इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द विंड एंड रोडेंट्स देखिए जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट रहती है विंड से और जितने भी रोडेंट्स यानी कि रैट या इंसेक्ट्स या मस्कीटो किसी से भी इनको प्रोटेक्ट इन इससे भी इनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच